हेलो फ्रेंड्स, माय एंड्रॉइड यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप के द्वारा एपीके फाइल को किस तरह से आप सेंड कर सकते हैं, वो चाहे ऐप हो या इसके अलावा गेम हो। आप कोई भी फाइल एपीके है वो उसको आप सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको कोई अच्छा सा फाइल मैनेजर डाउनलोड करना रहेगा, जैसे कि सॉलिड एक्सप्लोरर है, या इसके अलावा अगर आपका माई फाइल खुद का जो सैमसंग का हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा बहुत सारे और भी आपको एक्सप्लोरर मिल जाते हैं, फाइल मैनेजर मिल जाते हैं, वो आप प्ले स्टोर से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल के अंदर अगर आप सॉलिड एक्सप्लोरर या कोई भी ऐसा मैनेजर डाउनलोड कर चुके हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है कि एपीके फाइल है उसको आपको रीनेम करना रहेगा। तो सबसे पहले आप जो है उस एपीके फाइल को तलाश कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस फाइल को टेस्ट के लिए आपको बताता हूँ कि किस तरह से सेंड करते हैं। ये एपीके फाइल है, आप देख सकते हैं। मैं इसको जैसे दबाता हूँ तो यहाँ इंस्टॉलेशन के लिए ऑप्शन आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि इस फाइल को आप होल्ड क्लिक कीजिए और यहाँ से रीनेम कर दीजिए। तो आप जैसे ही रीनेम करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर आपको एपीके का ऑप्शन मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से इतना। तो इसको आपको यहाँ पर हटा देना है, जैसे कि मैंने हटा दिया, और यहाँ पर लिखना है TXT की फॉर्मेट डालकर आपको रीनेम कर देना है। आप जैसे इसको रीनेम करेंगे ये फाइल का जो है वो लुक चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको व्हाट्सएप के अंदर जाना है। आप व्हाट्सएप के अंदर जैसे ही जाएंगे और व्हाट्सएप के अंदर जाने के बाद आप जिसको भी भेजना चाहते हैं उसका नंबर आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सेंडिंग का ऑप्शन है उसमें चले जाइए। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी। देखिए, ये टेक्स्ट फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वाईफाई फाइल ट्रांसफ़र प्रो। आप देख सकते हैं कि ये फाइल यहाँ पर मौजूद है। अब आप यहाँ से इसको सेंड कर दीजिए। जैसे ये फाइल को आप सेंड कर दें उसके बाद जहाँ पर सामने वाले को फाइल पहुँच जाए तो उसको बताना है सिर्फ इतना कि वो अपनी फाइल की जो फॉर्मेटिंग है उसको वो चेंज कर दे। जैसे कि यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ टेक्स्ट में फाइल आई है। तो यहाँ पर इसको पहले डाउनलोड करना रहेगा। तो जैसे ही फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है कि फाइल मैनेजर में चले जाना है और यहाँ पर आपको जो है वो व्हाट्सएप का जो फोल्डर है उसको तलाश करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रहा व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के अंदर आपको मीडिया में जाना है, मीडिया के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना है। तो यहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी। अब आपको इसको वापस रीनेम करना है, और रीनेम में आपको करना क्या है कि यहाँ TXT लिखा है इसको मिटा कर APK लिख देना है। हम जैसे APK लिख कर रीनेम करेंगे तो ये जो फाइल है वो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, ये कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप आसानी के साथ व्हाट्सएप के द्वारा कोई भी APK फाइल, गेम हो या इसके अलावा ऐप हो, आसानी के साथ आप भेज सकते हैं। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं APK फाइल्स को तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह का कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और दूसरे नए वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल माई एंड्रॉइड को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।